नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो फाइनली राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के लिए PET और PST के लिए जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कर दिया गया है कि इसका आयोजन है वो कब कब करवाया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, वन रक्षक शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें अपनी बात करें PST और PET यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी, इसका आयोजन है वो 24 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा और 28 मई 2023 तक प्रत्येक जिले, देखिए यहाँ पे ध्यान रखें, प्रत्येक जिले के अनुसार यहाँ पे फिजिकल जो है वो करवाया जाएगा। प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक जिले में जो भी स्टेडियम बना हुआ उस जिले के अंदर जो फिजिकल है वो करवाया जाएगा। तो ये आपका फिजिकल है वो 24 अप्रैल से शुरू होकर 28 मई तक अलग अलग चरणों में अलग अलग दिनों के हिसाब से चलेगा। उसके बाद में सबसे पहले अपने बात करें कि जब आप फिजिकल देने जाओगे तो फिजिकल है वो अमूमन सभी विद्यार्थियों का लगभग 2 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 2 दिन। कितने दिन चलेगा? 2 दिन। देखिए सबसे पहले इस चीज को भी आप यहां से ध्यान से देख लेवे, आपका जिस भी जिले से बिलोंग करते हो जिले पे जाइए, उसके सामने देखिए 2 दिनांक दे रखी होगी। एक तो ऊपर दे रखा होगा जिसमें आपका, जैसे अगर आप बॉयज हो, जैसे आप वही जो, तो आपका पहले आपका क्या करवाया जाएगा, पहले दिन आपका करवाया जाएगा, पहले दिन आपको एक तो बॉल थ्रो करवाया जाएगा, एक तो आपका करवाया जाएगा बॉल थ्रो, और दूसरा दूसरे दिन आपको इसके अलावा इसी में सेकंड आपका रहेगा सिट अप, ये आपका फर्स्ट डे रहेगा। इसी प्रकार सेकंड डे है वो आपका रहेगा रनिंग, या फिर जो आपका पैदल चाल परीक्षण है वो रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पैदल चाल। अब देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखें, बॉल थ्रो और सिटअप इसके जस्ट बाद, जैसे आपका मान लो ये आपका 1 मई को है, मान लो ये आपका 1 मई को है और ये आपका 2 मई को है, तो यहां पे देखिए एक टाइम और दे रखा हुआ। थोड़ा सा आगे इस तरफ आप चल के देखोगे तो यहां पे आपका एक टाइम दोपहर लगभग 1:30 बजे के अराउंड ये टाइम दे रखा होगा, या 2:30 बजे जो भी टाइम है वो आपको यहां पर मिलेगा। वहां पे उस दिन आपका रहेगा मेजरमेंट यानी कि मापदंड, जो आपका चेस्ट चेक करना है या फिर जो आपका ब्रीथिंग वो चेक करना है, तो जो भी हाइट वगैरह वो मेजरमेंट भी यहाँ पे जा रहा है कि आपको 1 मई को ग्राउंड में 2 बार जाना पड़ेगा। कितनी बार जाना पड़ेगा? 2 बार। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख ले, अगर आपका आप बॉयज हो तो आपका पहले बॉल थ्रो और सिटअप होगा, उसी के बाद उसी दिन, क्योंकि ये आपका 5:30 बजे इवेंट रहेगा, उसके बाद में आपको ग्राउंड में 1:30 बजे 2 बजे जो भी उसमें टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से जाना पड़ेगा। वो टाइम विशेष रूप से देख ले, कुछ बच्चों को अभी तक इस बात इस चीज का ध्यान नहीं है कि उनको उसी दिन ग्राउंड में 2 बार जाना पड़ेगा। पहले आपका ये इवेंट रहेगा बॉल थ्रो सिटअप, उसके बाद में जो सेकंड है वो आपका मापदंड यानी कि शरीर की हाइट आपकी चेक की जाएगी, आपकी चेस्ट जो उसमें दे रखी है वो आपकी चेक की जाएगी, और चाहे आप गर्ल्स हो तो भी उनको भी फर्स्ट डे 2 दिन जाना पड़ेगा। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, उसी ग्राउंड में जाना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड डे आपका पैदल चाल है, गर्ल्स है तो उसका अलग हो जाएगा और बॉयज का तो उसका अलग दिन हो जाएगा। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रख ले, और प्रत्येक जिले के हिसाब से आपका रोल नंबर सामने दिया होगा, उसी दिन आप जो भी टाइम है उससे पहले ही ग्राउंड में पहुंच जाएं। फिर अपने जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जब आप जा रहे हो PST या PET देने के लिए, फिजिकल के आप ये जा रहे हो, तो फिजिकल ये जब आप जा रहे हो तो आपको साथ में क्या लेके जाना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना पड़ेगा, ये अवश्य रूप से आप ध्यान रख लें। और बहुत से अभ्यर्थियों को अभी भी इसमें क्लियरिटी नहीं है, तो इसमें देखिए 2 चीजें जो स्पष्ट रूप से कही गई है। एक तो ये कहा गया कि आप अपना आधार कार्ड क्या लेके जाओगे, आधार कार्ड जो मूल कॉपी है, जो आपकी मूल कॉपी है वो आप इसको साथ में लेके जाओगे, एक तो आधार कार्ड की मूल कॉपी, और एक इसमें देखा परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षा का प्रवेश पत्र ये भी मूल कॉपी जो है वो लेके जानी। तो ये 2 चीजें, आधार कार्ड इसकी मूल कॉपी और परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी कि जो आप एग्जाम देने जो इसका एडमिट कार्ड रहेगा, जो परीक्षा का जो एडमिट कार्ड था वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा अवश्य रूप से, ताकि वहां पे सत्यापन में 2 चीजें अवश्य रूप से आप देखे जाएंगी। अगर ये आपके पास एडमिट कार्ड और इसमें जो मूल कॉपी है आधार कार्ड की, वो यदि आपके पास नहीं रहेगा तो आपको किसी भी हाल में ग्राउंड में एंट्री है वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो भी यहाँ पे फिजिकल के लिए जो भी भत्ता वगैरह, ऐसा कुछ मत सोचना कि आपको सरकार अलाउंसेस वगैरह कुछ देगी, इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने खर्चे पे जाइए, अपने खर्चे पे रहिए, और ये आपको दोनों इवेंट में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी रहेगा। ये बिल्कुल क्वालिफाइंग प्रकृति का, इसमें कोई भी आपके नंबर है वो नहीं जुड़ेंगे, इसमें नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे,
ये मत सोच लेना कि इसमें अगर आप एक्सीलेंस करोगे या बेहतर प्रदर्शन थोड़ा खराब गया है, लेकिन आपको बस वो पास करना है। सिटअप है तो 1 मिनट में 24-25 जो भी है वो आपको पूरे करने हैं, बॉल थ्रो पिच पर मीटर करनी है वो आपको करनी है, और इसके अलावा जो 25 किलोमीटर पैदल चाल है वो आपको पूरी करनी है, चाहे आप कैसे भी करो, ठीक है ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, इसका कोई भी ये नहीं है कि अगर आप अच्छे से कर लेते हो नंबर ज्यादा मिलेंगे, मेरिट में जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको यहाँ पे पास करना है, और पास करने के बाद में अगले आप स्टेप में आपका 2 गुना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट जारी होगी उसमें आपके नंबरों के आधार पे आपको वहां पे पास किया जाएगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में फाइनल मेरिट है वो 2 गुना से 1 गुना बन के तैयार है, और उसके बाद में जो सिलेक्ट होते हैं उनका उसमें नाम है आएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा, दोबारा से देख लीजिए, 24 अप्रैल से आपके एडमिट शुरू हो जाएंगे, फिजिकल 28 मई तक चलेंगे अलग अलग जिले का। प्रत्येक जिले के शेड्यूल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है चीनिया क्लासेस नाम से, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च भी कर सकते हो, CHINIYA, और ये आप नाम से सर्च कर लीजिए, ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे और भी उपयोगी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, PDFs वगैरह सब मिलती है, तो वहाँ पे आप जुड़ जाए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, आप अपने जिले के अनुसार अपना रोल नंबर और क्या क्या टाइम मुझे पहुंचना है वो सब चीजें आपको मिल जाएगी। तो आपका 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जिस भी जिले से बिलोंग करते हो आप, प्रत्येक जिले का अलग अलग करवाया जाएगा, और ये आपका 2 दिन चलेगा। पहले दिन आपका रहेगा, अगर आप बॉयज हो तो बॉल थ्रो सीटअप रहेगा, और अगर गर्ल्स हो तो आपका जो ब्रॉड जंप, और दूसरा आपका रहेगा जो गोला फेंका वो करवाया जाएगा। उसी प्रकार ग्राउंड में आपको एक बार फिर से दोपहर को 1:30 बजे या 2 बजे उसमें टाइम देकर उसी दिन पहले दिन आपको 2 बार ग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में आपका वहां पे मापदंड मेजरमेंट है वो वहां पे करवाया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लें। और उसके बाद में सेकेंड डे आपका पैदल चाल रहेगा, जो भी आपका बॉयज है गर्ल्स है आपका पैदल चाल सेकेंड डे रहेगा। तो ये 2 दिन इवेंट है आपका चलने वाला है। फिजिकल के लिए अगर जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट आपको एक तो आधार कार्ड और एक इसका जो एडमिट कार्ड है, परीक्षा का एडमिट कार्ड है वो साथ में, जो एडमिट कार्ड है वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। इसके कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये केवल आपके क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपको केवल पास करना है, आप ऐसे नहीं है कि अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हो या खराब प्रदर्शन करोगे तो उसमें नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहा। केवल आपको वहां पे अपनी अपीयरेंस देते हुए उसको पास करना है, और यदि आप किसी प्रकार से इन चीजों में नहीं पहुंच पाते हो और आप कहोगे कि फिर से शेड्यूल ऐसा कुछ जिनको मौका दिया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। जो इस पार्ट इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, आगे उसको नहीं लिया जाएगा। तो ये थी वनरक्षक शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। इसके बावजूद अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी उपयोगी और नवीनतम अपडेट मिलती रहती है। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।